सख्ती के बावजूद जारी है रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी। कानपुर में कालाबाजारी करते चार लोग गिरफ्तार। 35 से 40 हजार में दे रहे थे इंजेक्शन। बांदा में नहीं दिखा लॉकडाउन का असर, सब्जी मंडी में लगी भारी भीड़। बांदा जिला प्रशासन लॉकडाउन का पालन कराने में नाकाम। सुल्तानपुर में सीओ सिटी की अगुवाई में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बेवजह घूमने वाले बाइक सवारों की 13 गाड़ियों का चालान काटा गया। एक दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बरेली में पुलिस ने दिया आरती को कंधा। महिला ने 112 पर फोन करके पुलिस से मांगी थी मदद। प्रेमनगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अंतिम संस्कार का पूरा इंतजाम किया। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बीडीए कॉलोनी का मामला। 45 प्लस वाले सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन के बाद ही लगेगा टीका। पहली डोज लगवाने के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन। 10 मई से सभी को टीकाकरण से पहले कराना होगा रजिस्ट्रेशन। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने सभी डीएम और सीएमओ को निर्देश दिए। यूपी में कोरोना के 26,780 नए केस सामने आए, जबकि 28,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना से 353 लोगों की जान गई। यूपी में लॉकडाउन का आज 7वां दिन, जरूरी सेवाओं पर जारी रहेगी छूट। अनावश्यक घर से बाहर निकलने पर होगी कार्रवाई। 10 मई तक इसी तरह प्रदेश में जारी रहेगा लॉकडाउन। 10 मई से यूपी के 11 और जिलों में 18 प्लस का वैक्सीनेशन शुरू करने का आदेश। सीएम योगी ने नगर निगम वाले 11 जिलों में अभियान शुरू करने को कहा। अब तक सिर्फ 7 जिलों में चल रहा था अभियान। कोरोना से सपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री पंडित सिंह का निधन। इलाज के दौरान लखनऊ के अस्पताल में ली अंतिम सांस। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने जताया दुख। ग्रेटर नोएडा में दूध सब्जी की दुकानों को लेकर बड़ा फैसला। सुबह 11 बजे तक खुलेंगी दूध सब्जी और जरूरी सामान की दुकानें। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर ही खरीदारी के निर्देश। पुलिस ने अनाउंसमेंट कर सभी से अपील की। अलीगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट की कालाबाजारी देखने को मिली। प्लांट के मालिक ने थाना जवा में बदमाशों के खिलाफ तहरीर दी। डीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए। बहराइच में हरिशंकर मित्तल चैरिटेबल ट्रस्ट हारे का सहारा। अन्न रथ देवदूत बनकर घर घर कोरोना संक्रमितों को पौष्टिक खाना निःशुल्क पहुँचाने का काम कर रहा है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत के बाद भाजपा नेता और उद्योगपति राजेश मसाला ने अमेठी को दी बड़ी सौगात। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतने के बाद भाजपा नेता और उद्योगपति राजेश मसाला ने जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की है। कोरोना महामारी में मदद के लिए आगे आए राजेश मसाला ने 50 लाख रुपए की मदद की है। अमेठी के जिला अस्पताल में अब जल्द लगेगा ऑक्सीजन प्लांट। इसकी मदद से रोजाना 110 सिलेंडर भरे जाएंगे। अमेठी के वार्ड नंबर 30 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीते हैं राजेश मसाला। अंबेडकर नगर में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल। जिला अस्पताल में बेड ऑक्सीजन और स्ट्रेचर के लिए मचा हाहाकार। 24 घंटों में भारत में 4,14,188 नए कोरोना मामले सामने आए। 3,915 मरीजों की हुई मौत। वहीं 3,31,507 लोगों ने कोरोना को हराया। फतेहपुर में चौक के व्यापारियों ने लॉकडाउन को बनाया मजाक। कोविड नियमों का उल्लंघन कर दुकानों के अंदर ग्राहकों को एकत्र कर बरती लापरवाही। मीडिया का कैमरा देख शटर किए बंद। लखनऊ में कोरोना से हाहाकार। 24 घंटे में कोरोना से अब तक सर्वाधिक मौत। 65 मरीजों ने 24 घंटे में गंवाई जान। एक्टिव मामलों में लेकिन देखी गई कमी। 24 घंटे में लखनऊ में 2000 के नीचे केस। वाराणसी में कोरोना को लेकर लोग कर रहे हैं जानलेवा लापरवाही। पंचकोसी सब्जी मंडी में खचाखच भीड़ देखने को मिली। न सोशल डिस्टेंसिंग और न ही मास्क पहन रहे लोग। कोरोना कर्फ्यू के बीच भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस नदारद।
भदोई में डीएम और सीएमओ ने L2 कोविड अस्पताल का किया निरीक्षण, पीपीई किट पहनकर किया औचक निरीक्षण, कोरोना संक्रमित मरीजों से बातचीत कर जाना हाल। मथुरा के केडी मेडिकल कॉलेज के वायरल हो रहे वीडियो पर डीएम ने बिठाई जांच, कोरोना से हुई थी एक शख्स की मौत, परिजनों ने बॉडी को देखकर हॉस्पिटल में काटा था हंगामा, कोरोना की आड़ में अंग तस्करी का हॉस्पिटल पर लगाया था आरोप। मेरठ में ऑक्सीजन को लेकर लगातार हालात खराब, क्रिकेट खिलाड़ी सुरेश रैना ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज के जरिए ऑक्सीजन की आवश्यकता में सीएम योगी को ट्वीट कर मदद मांगी। महाराजगंज में पुलिस अधीक्षक ने सक्सेना चौराहे पर पहुंचकर अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों को फटकार लगाते हुए उनकी गाड़ियों के चालान काटे। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। ऋषिकेश में डीआरडीओ अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत, डीआरडीओ तैयार कर रहा है 500 बेड का अस्पताल। हरक सिंह रावत का बयान, कोविड मरीजों के अंतिम संस्कार के लिए वन विभाग निगम को देगा मुफ्त लकड़ी। उत्तराखंड में भी अलग स्वास्थ्य मंत्री होना चाहिए, मुख्यमंत्री के पास बहुत काम होता है। आयुष के छात्रों को कोरोना के लिए तैनात किया जाएगा। उत्तराखंड में कोरोना महामारी में वीआईपी कल्चर हावी, प्रदेश का हाल बेहाल, गरीब और आमजन ऑक्सीजन और आईसीयू बेड के लिए दर दर भटके। बड़कोट सीएचसी में 4 बेड का आईसीयू और आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पंचकर्मा सेंटर में ऑक्सीजन युक्त 8 बेड की व्यवस्था की गई है। जिला अस्पताल के लिए रेफर होने वालों को भी मिलेगी सुविधा। यूपी के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी को एक पत्र लिखकर मांग की है कि यूपी में पुरानी व्यवस्था फिर से बहाल की जाए, जिसमें जिला पंचायत उपाध्यक्ष और ब्लॉक पंचायत उपाध्यक्ष के पद की व्यवस्था पहले की तरह हो। लखनऊ में इसी महीने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कराने की तैयारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख का चुनाव भी कराने की तैयारी। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव 20 से 27 मई के बीच कराने का प्रस्ताव। बाराबंकी में पंचायत चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार ने जताया गुस्सा, ग्राम प्रधान ने अपने कार्यकाल के दौरान लगवाई गई सड़क को जेसीबी लगाकर उखड़वा दिया, ग्रामीणों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की। हाथरस के गांव बरसमाई में चुनावी रंजिश में दो पक्षों में मारपीट, पथराव और फायरिंग हुई, दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल, 9 लोगों को हिरासत में लिया गया। श्रावस्ती में नशेड़ी पति ने 10 रुपए के लिए दी पत्नी को बेरहमी से सजा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पति ने पत्नी की बुरी तरह से की पिटाई। श्रावस्ती में बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी तूफान के साथ शुरू हुई मूसलाधार बारिश। मेरठ में लॉकडाउन के बीच खूनी संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, एक दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से एक दूसरे पर किया हमला, पुरानी रंजिश के चलते हुआ दो पक्षों में झगड़ा, 4 आरोपी गिरफ्तार। कासगंज में प्रधानी के चुनाव में वोट न देना पड़ा महंगा, पूर्व प्रधान ने दबंगों के साथ मिलकर प्रत्याशी समर्थक के घर पर लाठी डंडे से किया हमला, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। बलरामपुर में फूस के घर में घुसकर बैठा तेंदुआ रामधन नाम के एक व्यक्ति को तेंदुए ने किया घायल, सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने घर के चारों तरफ लगाया जाल, मौके पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौजूद, थाना हरैया के पूरनपुर के ठाकुरपुरा का मामला। हाथरस में बैटरी बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, तेज धमाके के साथ फैक्ट्री की दीवार उड़ी, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, आग लगने के कारण का नहीं चल सका पता। अमरोहा में अज्ञात कारणों से फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग, आग लगने से फर्नीचर के गोदाम में हुआ लाखों का नुकसान, अमरोहा के थाना नौगावा क्षेत्र के बिलना कला का मामला। बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर संग रिलेशनशिप में मलाइका अरोड़ा हैप्पी लाइफ जी रही है, एक्स हस्बैंड अरबाज खान से मलाइका को एक बेटा है, 18 साल के बेटे अरहान के साथ उनकी क्यूट बॉन्डिंग है, लेकिन मलाइका को अफसोस है कि उनके पास बेटी नहीं है। मलाइका ने कहा, मेरे पास कई सारे कपड़े और जूते हैं पहनने के लिए, मगर उन्हें पहनने वाला कोई और नहीं है।
कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, परिजनों ने थाने का घेराव कर किया हंगामा। सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत किया। हापुड़ में अस्पताल का बिल नहीं भरने तक युवक के शव को बंधक बनाने का आरोप। डीएम एसडीएम के हस्तक्षेप के बाद 35,000 रुपए लेकर सौंपा युवक का शव। लखनऊ में 3 चोरों ने 2 अलग अलग फ्लैट में ताले तोड़कर लाखों का माल किया पार। दोनों फ्लैट से लगभग 50 लाख से ज्यादा की चोरी की। गोरखपुर के थाना जंघा क्षेत्र की चौकी नई बाजार में आगजनी, तोड़फोड़ करने वाले 18 उपद्रवी गिरफ्तार। लखनऊ के जानकीपुरम में भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद। मुखबिर की सूचना पर की गई छापेमारी। छापेमारी के दौरान 600 पेटी शराब और 2 लग्जरी गाड़ी बरामद। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्ला खान ने शाहबुद्दीन की मौत को साजिश के तहत हत्या करार दिया। आजम खान की जिंदगी को खतरे में बताया और कहा शाहबुद्दीन की तर्ज पर कोई बड़ी साजिश आजम खान के खिलाफ भी रची जा सकती है। रमजान महीने का अलविदा जुम्मा आज। जुम्मे पर उलेमाओं ने घर पर रहकर इबादत करने की अपील की। कोविड संक्रमण के चलते घरों पर रहकर नमाज पढ़ने की गई अपील। उत्तरकाशी में बारिश से हाल बेहाल। कई जगह घरों में घुसा पानी। कुमराड़ा गांव में आसमान से बरसी आफत। यमुनोत्री विधायक केदार रावत ने लिया जायजा। डीएम के साथ गांव का दौरा कर जाना हाल। उत्तराखंड में 3 लाख कोविड-19 वैक्सीन मिलने के बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर जुटी लोगों की भीड़। बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। उत्तराखंड से रिलीव हुए यूपी के 294 डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट। हरिद्वार कुंभ में लगी थी सभी की ड्यूटी। यूपी के डीजी हेल्थ ने 2 मई को लिखी थी चिट्ठी। एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। कोरोना ने तोड़े उत्तराखंड में पिछले सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे के भीतर सामने आए कोरोना के 8,517 मामले। कोरोना से हुई 151 और मौतें। कोरोना को लेकर लगातार सरकार उठा रही है कदम। बद्रीनाथ धाम में मंदिर परिसर के सामने विद्युत व्यवस्था बहाल। बद्रीनाथ धाम में मंदिर परिसर विद्युत व्यवस्था ठीक होने से मंदिर जगमगाया। 18 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। टिहरी में हुई मूसलाधार बारिश। बारिश के चलते सड़कों पर आया पानी का सैलाब। नगर पंचायत घनसाली का कूड़ा वाहन मलबे में दबकर हुआ क्षतिग्रस्त। सड़कों का मलबा लोगों की दुकानों और घरों में घुसा। बड़कोट के जांदड़ू और खिरमू क्षेत्र में बादल फटने से हुआ काफी नुकसान। गांव का स्कूल भी चपेट में आकर क्षतिग्रस्त। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह का निधन। कोरोना संक्रमित होने के बाद नोएडा के अस्पताल में चल रहा था इलाज। 70 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर मायावती का ट्वीट। कहा चुनावी हिंसा की घटनाओं का बढ़ना चिंताजनक है। राज्य सरकार इसे गंभीरता से लेकर तत्काल कदम उठाए। मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव ने सीएम योगी को लिखा खत। ऑक्सीजन और दवा की कमी को दूर करने की उठाई मांग। लिखा मेरे विधानसभा क्षेत्र में रोजाना कोरोना से हो रही है 4 से 5 लोगों की मौत। द्रमुक अध्यक्ष एमके स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। स्टालिन गृह के अलावा सार्वजनिक और सामान्य प्रशासन समेत अखिल भारतीय सेवाएं और अन्य विभाग संभालेंगे। बीजेपी के शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी ने मुख्य सचिव को लिखा खत। पंचायत चुनाव ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वालों पर कार्रवाई न करने की मांग। पंचायत चुनाव में काफी कर्मचारी रहे थे गैर हाजिर। भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला। 23 शहरों के लिए 28 ट्रेनें 9 मई से रद्द। इनमें 8 शताब्दी, 2 जन शताब्दी, 2 दुरंतो, 2 राजधानी और 1 वंदे भारत शामिल।
दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से दिल्ली आने वाले लोगों को 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहना होगा। केजरीवाल सरकार ने सरकारी और पेड क्वारंटीन फैसिलिटी चिन्हित। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा ऑर्डन करने वाली हैं शादी। ऑर्डन अपने बॉयफ्रेंड टेलीविजन होस्ट क्लर्क ग्रेफर्ड से शादी रचाएंगी। जेसिंडा ऑर्डन की 2 साल की बेटी भी है। हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में नया गठबंधन ले रहा आकार। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया चीन की चुनौती से निपटने के लिए हुए एकजुट। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 256 अंकों की तेजी के साथ 49,206 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 98 पॉइंट्स के उछाल के साथ 14,823 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। लॉकडाउन के बीच शादियों के सीजन में सोने चांदी के भाव में तेजी। 583 रुपए तक उछला सोना। वहीं 1,773 रुपए की छलांग लगाकर 71,000 रुपए के पार चली गई चांदी। शुक्रवार को 24 कैरेट गोल्ड 47,575 रुपए प्रति 10 ग्राम के रेट पर खुला। वहीं चांदी 71,073 रुपए के भाव पर पहुंची। दो दिन में सोना 822 रुपए और चांदी 3,273 रुपए महंगी। लगातार चौथे दिन बढ़े तेल के दाम। 4 दिन में डीजल 1 रुपए महंगा। दिल्ली में पेट्रोल जहां 28 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल 31 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। एबी डिविलियर्स की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हो सकती है वापसी। दक्षिण अफ्रीका के कोच मार्क बाउचर के बाद क्रिकेट डायरेक्टर ग्रीम स्मिथ ने डिविलियर्स की वापसी के संकेत दिए। भारतीय महिला क्रिकेट वेदा कृष्णमूर्ति की बहन वत्सला शिवकुमार का कोरोना से निधन। 2 हफ्ते पहले हुई थी मां की मौत। न्यूजीलैंड के क्रिकेटरों की बड़ी मुश्किल, नहीं जा सकते हैं घर। केन विलियमसन सहित ब्रिटेन जाने वाले सभी खिलाड़ियों को 10 मई तक भारत में ही रहना होगा। रश्मि देसाई ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो माइक्रो मिनी स्कर्ट पहने हुए हैं। कुछ यूजर्स ने रश्मि देसाई को इस डांस वीडियो के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया। वीडियो शेयर करने के साथ रश्मि ने कहा, मैं जानती हूँ ये सही है। शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि उनका पूरा परिवार कोरोना संक्रमित है। शिल्पा शेट्टी ने लिखा, मेरे परिवार के लिए 10 दिन बहुत मुश्किल भरे थे। पहले मेरे ससुर कोरोना से संक्रमित हुए, उसके बाद मेरे पति राज कुंद्रा, मेरी मां समीशा और विवान भी संक्रमित पाए गए। हर कोई कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। सभी परिवार अपने अपने कमरे में अलग अलग रह रहे हैं। छिछोरे समेत कई हिंदी फिल्मों में नजर आ चुकी अभिनेत्री अभिलाषा पाटिल कोरोना से जंग हार गई। अभिलाषा पिछले कुछ समय से आईसीयू में एडमिट थी। अभिलाषा पाटिल मराठी सिनेमा का बड़ा नाम है। कॉमेडियन सुनील पाल के खिलाफ डॉक्टर्स ने दर्ज करवाई शिकायत। सुनील पाल ने वीडियो शेयर कर डॉक्टरों की कार्यप्रणाली पर उठाए थे कई सवाल। मुंबई के अंधेरी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी का नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। वीडियो में डांसिंग क्वीन सपना चौधरी देसी अंदाज में फर्श पर पोछा लगाती नजर आ रही हैं। आइसलैंड में 800 साल बाद फटा ज्वालामुखी। 1.5 महीने से लगातार उगल रहा लावा 32 किलोमीटर दूर से भी